सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। नमस्ते सभी को। नमस्ते। तो मेघा वेंकटेश दीदी एसोसिएट प्रोफेसर हैं आईटी डिपार्टमेंट में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नांदेड़ में। दीदी ने पहला वर्कशॉप मई 2020 में किया और दीदी अभी अपना कंसेंट दिया है वीडियो एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के भागीदारी के लिए। तो दीदी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। आप मुझे सुन पा रहे हो दीदी? जी, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है दीदी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी थैंक यू दीदी। नमस्ते कुमार भैया, नमस्ते शर्मिला दीदी, नमस्ते यशवंत भैया, प्रिया दीदी और सुनील भैया, सभी को नमस्ते। सारे को एक्सप्लोरर्स को नमस्ते। जैसा कि दीदी ने कहा, मेरा नाम मेघा वेंकटेश है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पे हूँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नांदेड़ में। पिछले 28 साल से मैं टीचिंग में हूँ और इस कॉलेज में मैं 2009 से हूँ। इससे पहले मैं एक प्राइवेट कॉलेज में थी। एसजीजीएस ये ऑटोनोमस गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस कॉलेज है, एक्चुअली नांदेड़ में, महाराष्ट्र में। इट्स वेरी क्लोज टू औरंगाबाद, 5 घंटे की दूरी पे है। जैसा कि दीदी ने ये भी कहा, मैं 2020 में पहली बार मैंने यूएचवी का वर्कशॉप अटेंड किया था और वो तो फॉर्मेलिटी बोल के किया था, बिकॉज हमको तब कोविड चल रहा था तो पता चला था कि यूएचवी का वर्कशॉप अटेंड करना कंपलसरी है AICTE की तरफ से। लेकिन पहली बार जब मैंने अटेंड किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लाइफ में काफी सारे स्थायी बदल ला सकता है और मैं शांति से और क्या बोलते हैं, खुद शांति से खुद और बाकी लोग भी घर में व्यवस्था के साथ रह पाएंगे, बहुत चेंजेस आ सकते हैं। तो फिर मैंने उसके बाद और 3 4 बार मैंने वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं। UHV 1 का किया है, UHV 2 किया है और ये मेरा सेकेंड सेशन है, मॉर्निंग सेशन। 7वें सेशन में भी मैं अटेंड की थी और ये 8वां सेशन है। अभ्यास क्रमांक 1 और 2 की अगर बात करते हैं तो अभ्यास क्रमांक 1 में पहला स्टेप जो है कि मैं स्वयं के द्वारा स्वयं को और स्वयं में चली कल्पनाशीलता को देख पा रही हूँ। ये तो मतलब क्या बोलते हैं, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं इन इन इस कल्पनाशीलता को मैं देख तो पा रही हूँ, लेकिन ये भी हो रहा है मेरे साथ कि 100% हर बार मैं खुद की कल्पनाशीलता को या भाव विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। जैसे हम 10 मिनट का एक्सरसाइज करते थे तो मैं मतलब कुछ नहीं सोचना से लेके तो मेरे विचार कहीं कहीं चले जाते थे। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि इन अभ्यासों को करने की वजह से मैं अपनी कल्पनाशीलता को फिर से मतलब ओरिजिनल थॉट पे या क्या बोलना चाहिए, अनवांटेड थॉट से या गलत विचारों से सही विचारों पे ला पा रही हूँ। ये फर्क मुझ में आ चुका है इन अभ्यास मतलब ये पहली स्टेप में। दूसरी स्टेप जो है कि स्वयं में सहज स्वभाव, मानवीय स्वभाव के अनुरूप स्वभाव को मतलब स्वयं में सहज स्वभाव और भाव को मैं मेंटेन कर पा रही हूँ, मानवीय स्वभाव के अनुरूप भावों को देख पा रही हूँ। और ऑब्वियसली इन भावों को मैं निरंतरता में बनाए रखना चाहती हूँ, लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगी कि मैं इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई हूँ। मेरे भाव अभी भी कभी भी कभी कभी बिगड़ जाते हैं। मानवीय स्वभाव को मैं समझ सकती हूँ कि कोई कुछ बोल रहा है या कोई कुछ कर रहा है या तो उसके उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है। ओके, उसके पीछे उनकी मान्यताएं, उनके कुछ कंसिडरेशन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे भाव को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अभी भी। और मैं ये समझती हूँ कि मुझे अभी और इस चीज का अभ्यास करना जरूरी है। लेकिन हाँ, 70-75% सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे मैं अपने भाव विचारों को कंट्रोल कर पा रही हूँ। ओके, और मैं मेरे भाव को बिना बिगाड़े
अच्छे भाव को बनाए रखने में सफल हो पा रही हूँ। स्टेप नंबर थ्री मुझे मतलब एक्सेप्टेड है कि बिकॉज ये सही है कि अगर हम इन सहज भाव में रहते हैं तो फिर हम आराम से रह पाएंगे, ऑब्वियसली सुखी रह पाएंगे। और क्योंकि मैं अपने भाव को कंट्रोल कर पा रही हूँ काफी हद तक, तो इसलिए मैं ये अनुभव कर पा रही हूँ कि मैं आराम से रह पा रही हूँ। और अगर मैं आराम से रह पा रही हूँ तो मैं मेरे साथ में जितने भी लोग हैं उनको भी आराम से रख पाने में कुछ हद तक तो सफल हो पा रही हूँ। क्योंकि अगर मैं गुस्सा होती हूँ या मैं अपने भावों को बिगाड़ती हूँ तो ऑब्वियसली सामने वालों के भाव भी बिगड़ सकते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से पहले भी समझती थी, लेकिन अब इन अभ्यासों के बाद मैं ये कर पा रही हूँ कि अपने भावों को मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ, अपने भावों को बिगड़ने से मैं रोक पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं ये बिल्कुल महसूस कर रही हूँ कि आजू बाजू का जो भी वातावरण है या आजू बाजू के जितने भी लोग हैं उनको भी मैं सहजता में रखने में थोड़ी बहुत सफल हो पा रही हूँ। मैं इस अभ्यास को अगर अच्छे से और अच्छे से कर पाऊंगी, मेरे भाव को बिगड़ने ना दूँ, तो श्योरली मैं ये देख सकती हूँ कि मेरे साथ में मेरी फैमिली के, मैं ये फैमिली की बात कर रही हूँ, फैमिली के लोगों को भी मैं अच्छे से रख पाऊंगी। जहाँ तक इन भावों का मेरे वर्क प्लेस में संबंध है, तो बच्चों के साथ जब भी लेक्चर्स या बाद में भी काउंसलिंग के वक्त बच्चों के साथ बात करती हूँ, तो काउंसलिंग के वक्त तो मैं कभी गुस्सा नहीं होती हूँ, हमेशा अपने भावों को बहुत अच्छे से मेंटेन करती हूँ। इसका नतीजा ये है कि बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम वो आते हैं मेरे पास और मेरे उनके प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर भी करते हैं। ये नहीं कि मैं जिनको पढ़ा रही हूँ वही बच्चे आते हैं, थर्ड ईयर फाइनल ईयर के बच्चे भी जिनको मैं पढ़ा चुकी हूँ, नॉर्मली मैं सेकेंड ईयर और एमटेक को पढ़ाती हूँ, तो ये बच्चे भी जरूर आते हैं। और ये बच्चे हमेशा ही बोलते हैं कि आप हमको पढ़ाओ, एक तो भी सब्जेक्ट पढ़ाओ। तो ये इसलिए बोलते हैं कि वो दे वांट टू सी कि मैम अगर आप रहते हो क्लास में तो हमको आसानी होती है हमारे प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करने में, या मतलब एकेडमिक हो या पर्सनल हो। तो ये इसको मैं इस हिसाब से देख पा रही हूँ कि मैं बच्चों के दिल में, सारे नहीं ऑब्वियसली बट मोर देन 50% बच्चों के दिल में मैं ये विश्वास जता पा रही हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मैं हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैंने देखा है पिछले 2-4 हफ्तों में कि बच्चों को एक कुछ चीज करने बोलूं उनके अच्छे के लिए, उनके एग्जाम्स के हिसाब से, और वो अगर नहीं कर पा करते हैं तो एक या दो बार मेरा भाव बिगड़ गया। तो मैंने डांटा भी बच्चों को क्लास में और मैं गुस्से से निकल आई थी, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैंने उनको बोल दिया कि आई एम सॉरी, मेरा भाव बिगड़ गया था, तुम लोग ने मेरी बात सुनी नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन तुम बच्चे हो, तुम तो ये करने ही वाले हो, बट आई वुड सजेस्ट कि ऐसा मत करो, लेकिन मैं गुस्सा हुई इसलिए सॉरी। तो ये बदल मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ अपने आप में। पहले भी मैं ये करती थी लेकिन अब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है कि मैं इन चीजों को समझ के और इमिजिएटली इनको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर पा रही हूँ। स्टेप नंबर 4 में कि मुझसे कौन सा भाव चले, यस, इसका निर्णय मैं ही लेती हूँ, लेकिन अभी भी कई सारे वक्त में मैं क्या बोलते, किसी और को अपने सुख का या दुख का जिम्मेदार समझती हूँ, राइट? दुख का मेनली, सुख के लिए तो हम यही समझते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि मैंने खुद कुछ किया इसलिए मैं सुखी हूँ वगैरह, लेकिन सुख का भी मैं क्रेडिट देती हूँ दूसरों को, लेकिन दुख का मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ये फीलिंग रहती है कि इसने मुझे ऐसे बुलाया, इन्होंने ऐसा किया इसलिए मुझे ये दुख हुआ। मैं किसको क्या समझी हूँ और जिसकी वजह से मुझे ये दुख हो रहा है, ये अभी भी मैं हर बार एनालाइज नहीं कर पा रही हूँ और मुझे इसके लिए काम करना पड़ेगा पक्के से ही। निर्णय लेने का आधार तो मोस्ट ऑफ द टाइम लॉजिकल निर्णय है तो समझ ही होता है, लेकिन इमोशनल भावपूर्ण निर्णय है अगर लेना है मैंने तो अभी भी कई बार मान्यता के आधार पे लेती हूँ, लेकिन इससे भी मैं अपने में शिफ्ट देख पा रही हूँ कि मान्यता को ना कंसिडर करते हुए सहज भाव के साथ और समझ के आधार पे मैं निर्णय ले पा रही हूँ।
और मैं इस ये बात मानती हूँ कि जब मान्यता के आधार पे हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो हम आराम में कभी भी नहीं रह पाएंगे, परेशानी आती ही रहेगी। इसलिए सहज भाव में, मतलब समझ के साथ अगर निर्णय हम लेते हैं तो हम अपने आप में सहज भाव बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर सिक्स, अभ्यास क्रमांक एक में जहाँ संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व का भाव, हाँ ये भाव मुझे स्वीकार ही है, और हमेशा ही ये कोशिश रहती है कि फैमिली में भी अगर किसी का भाव बिगड़े तो संबंध ना बिगड़े या सहअस्तित्व बना रहे। इसके लिए इससे पहले भी मैं शांत रहती थी, गुस्सा आता था मुझे, लेकिन किसी के सामने मैं गुस्सा नहीं जताती थी, अपने आप को मतलब अपने आप के साथ ही गुस्सा दिखा के बात करके और मैं ये करती थी, लेकिन सामने वाले को मैं कभी दुखाई नहीं हूँ एज फार एज पॉसिबल। तो ये भाव तो बिल्कुल मुझे स्वीकार ही है, सहज स्वीकार्य है, तो इसलिए इसको समझना मेरी आवश्यकता भी है, मूलभूत आवश्यकता, और मैं इसको समझने की पूरे पूरी कोशिश भी करती हूँ। और पॉइंट नंबर सात में, पॉइंट नंबर सात जो है, ये भी मुझे मान्य है कि अगर हम सहज भाव के रूप में संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व को रख पाते हैं तो हम और हमारे साथ सारे लोग सुखी, निरंतर सुखी हो सकते हैं। सो अभ्यास क्रमांक एक में जहाँ तक मैं देखती हूँ, मुझे स्टेप नंबर चार, स्टेप नंबर तीन और स्टेप नंबर चार में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत लगती है अपने आप में, कि मैं अपने भाव को बिगड़ने ना दूँ और मैं सुख दुख के लिए, मेरे सुख दुख के लिए मैं खुद को ही जिम्मेदार ठहराऊं और खुद को ही एनालाइज करूं कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। अभ्यास क्रमांक दो में स्टेप नंबर एक और एक दो और तीन को मैं बिल्कुल समझ पा रही हूं कि मैं और शरीर ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं और इन दोनों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, और संकेत क्या देना है मेरे, मैंने शरीर को और किस संवेदना को पढ़ना है ये निर्णय भी मैं ही लेती हूँ, ये भी मुझे मंजूर है, और ये हर बार मैं देख पा रही हूँ कि हाँ ये मैं निर्णय मैं ही लेती हूँ। स्टेप नंबर चार में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं संवेदना से दूर होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाना, ओके, तो मैं इसको पूरी तरह से मतलब एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही हूँ कि मैं और शरीर के बीच में जो दूरी है, इस दूरी को मैं प्रॉपरली मतलब समझ पा रही हूँ, मतलब मुझे थेरी समझ में आ रही है या थेरी एक्सेप्टेड है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली मैं अभी पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही हूँ। तो इस स्टेप नंबर चार के लिए अब क्या बोलते हैं, अभ्यास मैंने ज्यादा करने की जरूरत है ऐसा मुझे लगता है। और बाह्य परिस्थिति का प्रभाव तो शरीर तक पहुंचता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसे निर्णय पूर्वक ही पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत प्रभावित तो होती हूँ, ये नहीं कि मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं प्रभावित नहीं होती हूँ, प्रभावित तो होती हूँ, लेकिन मैं जिम्मेदारी पूर्वक भी प्रस्तुत होती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रतिक्रिया काफी कम बार देती हूँ, मैं पहले से ही क्या बोलते हैं, मेरी क्षमता बोले या रेजिस्टेंस किसी भी चीज के लिए, शरीर का रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, और इसलिए कुछ भी छोटी मोटी चीज हो जाए शरीर को, मैं ज्यादा उस पे फोकस नहीं करती हूँ, मतलब उस वक्त में मैं ध्यान दूंगी कहीं कुछ लग गया या कुछ दुख रहा है तो कुछ लगा लिया, मलहम लगा लिया, या जख्म हो गई तो उसको ड्रेसिंग कर लिया, लेकिन मैं उसी में नहीं रहती हूँ कभी कि अभी मुझे ये दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है, ऐसा मैं पहले भी नहीं करती थी और ये अभी भी नहीं कर रही हूँ। तो मैं इन चीजों के, शरीर बाह्य परिस्थिति की वजह से शरीर पे जो भी प्रभाव होता है उससे मैं प्रभावित तो होती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं प्रतिक्रिया पूर्वक प्रस्तुत भी होती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके 100% नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये कर पा रही हूँ। और बाह्य परिस्थिति का शरीर के ऊपर का प्रभाव और मेरा निर्वाह, ये प्रतिक्रिया पूर्वक होता है, कुछ कुछ बार मैं परतंत्रता पूर्वक मतलब जीती हूँ, इन द सेंस की क्या बोलना चाहिए, जो सामने वाला अगर कुछ बनता है बोलता है या क्या बोलना है, दूसरे का व्यवहार या उनका बात करने का तरीका या जो बात वो करते हैं उससे मैं
थोड़ी पूर्वक थोड़ी बहुत अभी भी प्रतिक्रिया देती हूँ, प्रसन्नता पूर्वक जीतती हूँ, लेकिन हाँ ये मुझे मान्य है कि मैं इसमें अगर पूरी तरह से अपना अभ्यास करूँ तो मैं इसको भी प्रॉपरली हैंड मतलब समझ पाऊंगी और बिना प्रभावित हुए मैं इस इन चीजों को भी प्रॉपरली हैंडल कर पाऊंगी। स्टेप नंबर 7, मेरा शून्य में होना सहअस्तित्व में बना हुआ है, ये भी मैं मानती हूँ, लेकिन जैसा स्टेप नंबर 4 की तरह यहाँ भी अभी भी पूरी तरह से मैं इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाई, लेकिन मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि मेरा शून्य में होना, ये शून्य के सहअस्तित्व में मेरा होना बना हुआ है। मैं निरंतर क्रियाशील भी हूँ और आ, आ, शरीर मेरे लिए एक उपयोगी साधन है, ये भी मुझे मंजूर है, लेकिन उपयोगी साधन तो है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें जो मैं कर रही हूँ, ओके कि क्या बोलते हैं, दिन भर में जितने काम कर रही हूँ या जो भी चीजें कर रही हूँ उसमें 60-70% चीजें मैं शरीर के लिए ही कर रही हूँ, तो मैं के लिए जितना मैंने करना चाहिए ओके वो थोड़ा सा कम ही कर रही हूँ रादर, क्योंकि शायद ये मान्यता है पहले से कि अगर शरीर को मैं जो चाहिए वो दूँ तो मैं भी खुश रहूंगी, ऐसा कुछ सॉर्ट ऑफ। लेकिन हाँ अभ्यास क्रमांक 1 और 2 के बाद ये मैं समझ पाई हूँ कि नहीं, मैं अगर खुश हूँ तो मतलब बाकी सारी चीजें क्या बोलते हैं प्रॉपर ही रहेगी। सो मोस्ट ऑफ द कार्यक्रम 60-70% कार्यक्रम शरीर के अर्थ में है, लेकिन अब धीरे धीरे मैं यहाँ से डेविएट होके मैं की तरफ जा रही हूँ, पढ़ना, अलग अलग किताबें पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये मेरा बहुत कम हो गया था, कुछ पढ़ना या गाने सुनना वगैरह, लेकिन अब ये मैं, मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि तेरे जो भी अच्छी चीजें जो तुझे लगती है वो तूने करना चाहिए, हमेशा खाना बनाना, सबको खाना दिया कि नहीं, सब इसको ये चाहिए उसको वो चाहिए, इसी में नहीं रहना है, तुम खुद के लिए भी जियो ऐसा। तो अभी ये मैं के लिए जो भी करने की जरूरत है ताकि मैं अपना अपनी समझ और अपने भाव को नियंत्रण में ला सकूं, इसके लिए जो भी करना पड़े उसका अभ्यास मैं अभी बहुत सिंसियरली कर रही हूँ, और थैंक्स टू ये मॉर्निंग सेशन की जो मुझे, मैं हमने क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इसका बहुत अच्छे से आप लोग ज्ञान दे रहे हो, आप लोगों को स्पेशल थैंक्स एक्चुअली। मैं स्वयं में समझ बढ़ाने के लिए अभी तक तो आधा घंटा वगैरह लगाती थी, लेकिन अब मैं इस चीज को मतलब इन चीजों को बढ़ा रही हूँ, अब दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब जब भी मैं काम में होती हूँ तो ऑब्वियसली नहीं सोचती हूँ, लेकिन जब भी फ्री होती हूँ तो दिमाग में यही चलता है कि ओ आज ये हुआ था मॉर्निंग सेशन में, इसको मैं कैसे सोच रही हूँ, इसको कैसे एनालाइज करना है वगैरह, तो ये समय देने का जो है मैं बढ़ाऊंगी अभी इसके आगे। और जहां तक सामाजिक भागीदारी का सवाल है तो स्टूडेंट्स के साथ तो मैं अपनी भागीदारी को निभाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन यूएचवी के हिसाब से जैसे मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आई एम सो सॉरी, मेरी दीदी से बात हो रही है और वीडियो एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग में भी मैं अपनी भागीदारी देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। कॉलेज में यूएचवी का एक ऑफलाइन वर्कशॉप अरेंज करने की बात चल रही थी दीदी के साथ, तो उसको भी अपराजिता दीदी के साथ, तो उसको भी फाइनल शेप में लाने की कोशिश करूंगी, शायद दिसंबर के लास्ट वीक में एक ऑफलाइन वर्कशॉप कॉलेज के फैकल्टी के लिए अरेंज करने का चल रहा है। सो दीदी से बात हो रही है एंड मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा समय मैं यूएचवी के लिए और जितने भी कार्य मेरे से हो सकते हैं मैं करने की जरूर जरूर कोशिश करूंगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली कुमार भैया, शर्मिला दीदी को, कि आप लोग इतने अच्छे तरह से इतने पेशेंस के साथ हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और सारे को एक्सप्लोरर्स को स्पेशल धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनसे मेरी समझ बढ़ने में बहुत बहुत मदद होती है। सो मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद सभी का।
जी धन्यवाद मेघा दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस शेयरिंग के लिए। तो अभी तो कुमार भैया से सुन लेते हैं। जी कुमार भैया, जी बहुत ही बढ़िया शेयरिंग रही दीदी, मेघा दीदी आपकी। आपने बिल्कुल बिंदुवार ढंग से अभ्यास एक और अभ्यास दो पे बात की और एक एक स्टेप पे अपने ऑब्जर्वेशन को रखा, साथ में ही जीने से जुड़ी हुई घटनाओं को भी आपने शेयर किया। आपका पहला वर्कशॉप दीदी कब हुआ था? भैया 2020 में हुआ था, मई 2020 में। ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन, सारे ऑनलाइन किए हैं भैया, अभी तक मैंने कोई भी ऑफलाइन वर्कशॉप अटेंड नहीं किया है। अच्छा, और ऐसे अभी तक कितने वर्कशॉप आप कर चुकी हैं? मैं UHV 1 के 4 कर चुकी हूँ। UHV 1 कुछ क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस ऐसा कुछ है, एक वर्कशॉप वो किया है, ऐसे पूरे मिला के 4, और UHV 2 का एक वर्कशॉप किया है भैया। बढ़िया, तो आप अपने यहाँ प्लान भी कर रही हैं कि आपके यहाँ UHV 2 का एक वर्कशॉप हो जाए, तो उसके लिए हाँ अच्छा। भैया, अपराजिता दीदी के साथ बात तो चल रही थी, दीदी ने परसों हमारी जब बात हुई तो बोला था कि ऐसे ऑफलाइन कर सकते हो, तो सेल्फ स्पॉन्सर्ड ऑफलाइन वर्कशॉप करने का चल रहा है भैया, दिन दिन का। जी, और आपका ऑटोनॉमस भी है कॉलेज हाँ जी हाँ से, जी हाँ और जी 5 डेज अ वीक है या 6 डेज अ वीक? मतलब टीचिंग 5 डे वीक है, और हम लोगों को सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे जाना पड़ता है, ओके फर्स्ट और थर्ड ऑफ रहता है। ओके भैया, मैं इसलिए पूछ रहा था कि फिर आप वर्कशॉप में भी सहयोग कर सकती हैं। एक तो अपने कॉलेज को एक नोडल सेंटर ग्रुप में बनाने के लिए प्रयास करें। आपके कॉलेज से कुल कितने लोगों ने अभी तक वर्कशॉप किया है? काफी लोगों ने किया है, लेडीज का जहां तक मुझे पता है तो एक या दो को छोड़ के मतलब हम लोग करीब 13-14 लेडीज है, तो उनमें से एक दो को शायद उन्होंने नहीं किया, बाकी सबने किया है। और जेंट्स में मुझे ठीक से आइडिया नहीं है भैया, मैं पता कर सकती अच्छा, हूँ। ये ऑफलाइन वर्कशॉप करने के लिए, सॉरी भैया बोलिए। एक सेल्फ फंडेड 3 डेज का FDP आप करा लें, ताकि जितने भी फैकल्टी हैं सभी लोग एक बार गुजर जाएं पूरे वर्कशॉप से, है ना? आपके हाँ यहाँ जी, टोटल बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है? बच्चे तो 3,350 कुछ है भैया, 3,500? हाँ, तो 10 डिपार्टमेंट्स आप है और मोस्टली 60 का इंटेक है सबका। जी, फैकल्टी और ज्यादा होंगे, है ना? मतलब मुझे हाँ लगता है कि अभी अभी फिलहाल 30 न्यू फैकल्टी ज्वाइन हुए भैया, बहुत सारे लोग जी रिटायर हो गए, तो अभी परसों परसों ही मतलब अक्टूबर में 30-31 न्यू फैकल्टी ज्वाइन हुए हैं, ओके तो अभी काफी अच्छा स्ट्रेंथ है, 70-80 का स्ट्रेंथ है हमारा ओके फैकल्टी का। यस तो आप एक 3 डेज का तो सेल्फ फंडेड FDP प्लान कर लें, है ना? फिर आगे और कॉलेज के लिए सोच सकते हैं। ये जो नई हाँ फैकल्टी ने ज्वाइन किया है ये हाँ भी एक जी बार वर्कशॉप से गुजर जाए, और इनको ऑनलाइन के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ डायरेक्टर और चेयरपर्सन इन लोगों का मन अगर बना हुआ है तो उसमें आप हाँ जी सहयोग ले सकते हैं उनका, बोलिए। हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल और भैया, मुझे लगता है कि वॉलंटियरिंग में आप और दूसरे तरीकों को भी देख सकती हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग का एक काम आप कर रही हैं, बट साथ में और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रांसलेशन का काम चल रहा है, अच्छा और जी रेगुलर एक्टिविटीज हैं कई सारी। तो बिल्कुल जो आपके बिल्कुल रीजनल भैया, कोऑर्डिनेटर हैं उनसे अगर आप बात करें तो हाँ उसमें हाँ और कुछ बन सकती है, वही ना? अपरा दीदी के साथ हुए, अभी रिसेंटली हम दोनों की बात भी हुई थी, तो उन्होंने उनके गाइडेंस के अंडर मैं बिल्कुल शुरू करूंगी भैया। बहुत ही बढ़िया दीदी। वैसे मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं आजकल कि तेरे को तुमको अगर ये अच्छा लगता है UHV का, क्योंकि मैं रोज मॉर्निंग सेशंस जब अटेंड करती हूँ तो देखते हैं, तो ही वो सेइंग कि बेटर है कि तुम रिजाइन करो और UHV का काम शुरू करो। मैं बोली अभी उतना प्रिपेयर नहीं हुई हूँ मैं, तो मैं लेकिन काम तो जरूर शुरू करूंगी भैया आप हाँ, इसका लोगों भी आप के। प्लान बना सकती हैं कि फुल टाइम आप कब हाँ से लग बिल्कुल, सकती हैं इस काम में। आपके बच्चे सेटल हैं अभी या अभी पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, मेरे बेटियां बड़ी, मुझे दो बेटियां हैं भैया, दोनों बड़ी हो गई, बड़ी की शादी हो गई, वो पढ़ रही है हालांकि, लेकिन उसकी शादी हो गई है, और छोटी बेटी जॉब करती है बैंगलोर अच्छा, बढ़िया। हाँ, तो आप तो घर से भी में। सेटल हैं, तो हाँ बिल्कुल आप फुल टाइम बिल्कुल लगने का मन बना सकती हैं। बिल्कुल कोशिश कोशिश जी, और यहाँ करूंगी, जरूर औरंगाबाद के कोशिश बगल में करूंगी। ही है, वहां पे एक हाँ बड़ी जी टीम भी है।
हाँ मैं वही पिछले बारी भैया से भी बात हुई थी औरंगाबाद में, तो उनको पूछा था मैंने, उनके यहाँ ऑफलाइन वर्कशॉप उन्होंने अरेंज किया था एक बार, तो मैं जाने का परमिशन ली थी लेकिन वो कैंसिल हो गया किसी वजह से, तो मैं उनसे मिल नहीं पाई। विनय विनय भैया है ना वहाँ पे? हाँ हाँ विनय भैया हैं, तो उधर अपराजिता दीदी हैं, विनय भैया हैं, उमेश भैया हैं, एक बड़ी टीम है वेस्टर्न ओके रीजन में। जी यस बढ़िया दीदी, तो मेरी तरफ यस से ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। जी थैंक यू भैया। वो बात जो प्रशांत भैया पूछे थे कि अभ्यास 2 में, कि मैंने जैसे कहा कि शरीर और मेरे बीच की दूरी मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन मैंने ये भी कहा कि शरीर को कुछ हो जाए तो मैं बहुत ज्यादा उसमें उलझी नहीं रहती हूँ, तो यही इसी को दूरी कहते हैं क्या भैया? नहीं इसको नहीं कहेंगे, नहीं ना, ये तो ये तो हुआ कि जो संवेदना है इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, हाँ वही संवेदना को पढ़ते हुए संवेदना से दूरी को देख रहा हूँ, ये एक अलग स्थिति है। हाँ। तो मैं सजग हूँ, संवेदना को देख रहा हूँ, परंतु ये दिख रहा है मुझे कि संवेदना मुझ में नहीं है, मुझसे बाहर है। हाँ ओके यस जी भाई थैंक यू बढ़िया जी, जी धन्यवाद भैया।